Okay, class 10. Now I'm going to do question number exercise 2.3. Question number 1, okay? Divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following. तो हमें क्या करना है, इजी स्टेप, डिवाइड, ओके? तो हम लोगों ने क्या कह दिया, px दिया गया, ओके? px कितना है? x cube minus twice x square. x cube minus twice x square. प्लस 5x माइनस हम 3 और दूसरा क्या दिया हम लोगों जी एक्स ओके इसको कितना है वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओके एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो हमें क्या करना है ये टर्म को इसे डिवाइड करना ओके सो एस वी हैव डन बिफोर डिवीजन टर्म एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ओके एक्स स्क्वायर माइनस 2 ठीक है तो हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ चेक करेंगे द फर्स्ट टर्म ओके ये दो टर्म इसमें कितना है फैक्टर 3 और इसका कितना 2 तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो इसका फैक्टर 3 होगा तो हम इसे x से मल्टीप्लाई करेंगे ओके x इंटू एक्स स्क्वायर ये हम लोग का एक्स क्यूब ओके और ये 2 इंटू एक्स माइनस ट्वाइस एक्स तो ये हम डायरेक्ट x में लिखेंगे ठीक है इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि अब x स्क्वायर चाहिए ना हमें तो हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे ट्वाइस x इसमें ले जाएंगे तो हमें इजी होगा करने के लिए ओके तो अभी साइन चेंज प्लस का माइनस माइनस का प्लस ओके तो ये माइनस प्लस हो गया हम लोग कैंसिल कर दिया ओके तो रह गया माइनस 3x जो हमें नीचे लगा दिया और ये लोग का प्लस 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 5 प्लस 2 प्लस 7x तो रह गया माइनस 3 ओके तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें फिर से ये 3x स्क्वायर मिले इससे तो हम लोग माइनस करेंगे माइनस 3 से ओके देन वी विल गेट माइनस 3x स्क्वायर तो ये माइनस माइनस प्लस 3 टू जा 6 तो ये अब होगा प्लस 6 ओके तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे फिर से प्लस और ये माइनस ये तो फिर ये कैंसिल और ये माइनस माइनस प्लस तो इट विल बी माइनस 9 एंड दिस विल बी माइनस और इट विल बी 7x ओके So here, this is your quotient, okay? And this is your remainder, okay? Therefore, remainder is equal to how much? 7x minus 9. And your quotient is how much? X minus 3. So in this way, rest you do by yourself. Sir.